उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अकरमपुर मार्ग में दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को अनुमन्य शासकीय योजनाओं से लाभ दिया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्षेत्रीय विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोराव अस्पताल में पहुंचकर जाना हाल, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल कोराव को लिया गोद। उत्तर प्रदेश के कोराव प्रयागराज में किसान ने अपनी धान क्रय केंद्र पर्पस तराव कोराव में तौल दिया, वहीं अभी तक धनराशि भुगतान नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पंडित कमलानाथ बसंती मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली महाराज का मुख्य मार्ग पर हुआ भारी जल जमाव। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नगर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला बड़ी हाट में काफी दिनों से बंद मकान में मिला युवक का शव। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गुजरहना स्थित हजरत सैयद शाह की दरगाह पर इस वर्ष भी उसके मौके पर नहीं जुटेंगे जायरीन। उत्तर प्रदेश की मितौली खीरी में किसान सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद वितरण के दौरान क्षेत्र से बाहरी लोगों की उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश के इटावा एक दिन में 20 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के प्रमाण पर समाज सेवी डॉक्टर सुशील सम्राट ने वितरित किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जरीफ नगर थाना क्षेत्र में सिलेंडर फटने से लगी आग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना पसकुआ पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते 3 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को एक चाबी का गुच्छा, एक लोहे की रॉड, 2 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 2 अदद अवैध तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित स्विफ्ट डिजायर कार कीमत करीबन 6,10,000 रुपए को कुर्कित किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गंभीरपुर थाने की पुलिस ने की सुबह हत्या प्रयास के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत शाहपुर में कोविड-19 टीकाकरण हुआ संपन्न। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को सरदार पटेल जी का चित्र और अंग वस्त्र फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी और भाजपा के वरिष्ठ नेता रज्जन सेवक राजेश सिंह ने सप्रेम भेंट कर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में कर करेत्तर और राजस्व वसूली की बैठक विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 6 साथियों के साथ पकड़ा गया चोरी चोरा थाने का हिस्ट्री शूटर मिथुन पासवान। चोरी चोरा थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी को मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना गोला पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त सूरज पुत्र विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त रामचंद्र पुत्र झब्बू को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त सुरेंद्र पाल उर्फ भालू को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटों के अंतर 249 लीटर अवैध शराब, 4 अवैध शराब की भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना भीरा पुलिस द्वारा 60 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना पसकवा पुलिस द्वारा 40 लीटर अवैध शराब बरामद कर अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उत्तर प्रदेश के द्वारा समूह सहायता दीदियों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में थाना अतरौली पुलिस टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली थाने में पीआरडी ब्रिजेश द्विवेदी के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में इटावा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 15,000 रुपए का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धांधली प्रक्रिया के तहत डाले जा रहे टेंडर, वहीं महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय छतरपुर में महिलाओं की जगह व्यापारी और रसूखदार व्यक्ति एक हाथ में दर्जनों टेंडर लेकर डालने पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के इटावा में कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को झकझोर दिया। इस आपदा में परलोकवासी होने वाले पुण्यात्माओं के लिए सेवाश्रम अधिवक्ता संघ ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में पूर्व भाजपा विधायक के राज बने SC/ST आयोग के सदस्य। उत्तर प्रदेश के बरेली में उप जिलाधिकारी द्वारा दिखाई गई CSC कोरोना जागरूक वाहन को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जोया ब्लॉक एवं गजरौला ब्लॉक में संगठन सृजन अभियान की तृतीय चरण को लेकर सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत कोरोना उपचार किट वितरण को लेकर ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई संपन्न। प्रदेश में घाघरा का जलस्तर बढ़ने से सक्ती में तटवर्ती ग्रामीण वही तीनों बैराज से छोड़ा गया 1.63 लाख क्यूसेक पानी, जिससे 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।